गाइस डीएम वापस आ चुके हैं, हेलमेट यहाँ पे लॉक कर दिए हैं, ठीक है। और ये कुछ मतलब अच्छा है, ये रामगढ़ताल का सीन है गोरखपुर। अगर आप लोग गोरखपुर से हैं तो आगे विजिट करिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सप्लाई वाली पाइप भी गया, देखिए ये सप्लाई जो पानी पीते हम लोग सप्लाई वाला वो पाइप भी गया है, ठीक है। बस यही तार हटाना है, तो इसके लिए जितने बक्सीपुर था, सूरजकुंड था, जिस था, वो देख लिए, सब अपने वाली मनबड़ाई कर रहे हैं। अब डीएम ऑफिस जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। वहाँ पहुँच कर थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे क्या होती है। जय श्री राम गाइस, पहले वाले वीडियो में आप देखे थे कि सब कुछ दिखा दिए थे, डीएम ऑफिस बस पहुँचने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन है जो डीएम ऑफिस में हम दे रहे हैं, ये ऑलरेडी आप दूसरे वाली वीडियो में देख चुके होंगे, तो आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक। और ये फोटो है, ठीक है, ये मेरा घर का गेट है, ठीक है, मेन गेट लोहे का है। अब देखिए यहाँ पे तार गया है, यही तार हटाना है। और ये जब हम बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आगे का है, फ़ोटो भी लगाना पड़ता है, जैसे ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के साथ ही फ़ोटो भी देना पड़ता है कि कोई भी अधिकारी हो देखने और समझने में आसानी हो। तो ये आगे का फ़ोन और ये पीछे का बैग, ठीक है, यही हटाना है। अब इस तार को जैसे ना आगे ना ये खुलेगा ना बंद होगा, जब खुलेगा ही नहीं तो बंद कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसी को हटाना है, जो 35,000 का डिमांड है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 35,595 गाइस। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कर्मचारी अच्छे हैं, लेकिन जब बात पैसों की होती है, गरीबों को सतानी की होती है, तो ये जो सपोर्टर तार है ये नहीं भी रहेगा तब वो ये पोल गिरेगा नहीं, क्योंकि पोल के कितना लोड है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो हम दिखाए थे कोई भी पोल पे सपोर्टर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आगे सपोर्टर है। और ये जो ज़मीन अब ये देख रहे हैं ना, ये मेरी ज़मीन है और ये गेट है। अब ये ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है, आने जाने में दिक्कत भी हो रही है, और पोल से अब कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें तार हट जाए और मैं अपना काम करा लूँ। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अब आपको दिखा देते हैं। डीएम ऑफिस पे एप्लीकेशन दे दिए हैं, एप्लीकेशन रिसीव कर लिए हैं, मतलब ले लिए हैं। और सबसे पॉइंट की चीज़ें अच्छा क्या लगा ना, सारा ऑनलाइन होगा, मतलब जो एप्लीकेशन दिए हैं ऑनलाइन अपलोड होगा और ऑनलाइन सर्विस, और मुझे नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर पे आएगा, वहाँ से सारा प्रोसेसर होगा। फिर उसके बाद जैसे प्रोसेसर कम्प्लीट होगा ना, तो मुझे फ़ोन आएगा, उसको अवेलेबल होना पड़ेगा, उसका सारा काम होगा। और एक चीज़ सबसे बैड न्यूज़, आपका ज़मीन है तो बाउंड्री करा के रखें, गेट लगा के रखें, और वहाँ पे हमेशा ज़्यादा के देखते रहिए, क्योंकि कोई भी पोल कोई भी तार गड़ जाएगा तो हटाना बहुत मुश्किल है, और उसको हटाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पोल तार तो हट सकता है, उसके लिए 35,000 मुझे देना पड़ रहा है, लेकिन 35,000 हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको दौड़ना पड़ रहा है। अभी मैं 35,000 रुपये गिन दूंगा ना, तो मुझे कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम हो जाएगा। सिर्फ मुझे 35,000 ना देना पड़े इसलिए मुझे दौड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 35,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास उतना अभी है नहीं, तो मैं उतना पैसा कहाँ दूंगा। तो एक बात सीधी बात हम आपको बता दें, अभी मैं डीएम ऑफिस पे ही हूँ, देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, और उधर भी खड़ी है, देख सकते हैं पूरी बाउंड्री में, ठीक है। अभी मैं 35,000 रुपया गिन दूंगा ना, तो कुछ कोई करना कुछ नहीं पड़ेगा, ना डीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, ना सीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, ना कहीं कोई कर्मचारी नहीं मिलना पड़ेगा, मतलब सब ले देखिए पैसे की खेल है। मैं पैसा दूंगा तो कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, और अगर आप कम पैसे में काम कर, पैसा तो देना पड़ेगा, जो भी हो देना पड़ेगा, इतना नहीं पता, लेकिन अगर मैं दे दूंगा तो मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी आधा काम हो गया है और मैं डीएम ऑफिस पे, लेकिन हाँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मुझे सीख मिल रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो अगर हमसे मुलाकात होगा तो हम उसको नॉलेज दें। ये रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के पास ही है, ठीक है, रेलवे बस स्टेशन के पास ही है डीएम ऑफिस, वहाँ से लेके देख रहे हैं ना, वहाँ से लेके आगे तक है, ठीक है। पूरा मैं अंदर का तो दिखाया हूँ, जहाँ तक कोशिश किया था दिखाने के लिए, ये बाहर का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वैनम है, ठीक है, और ये रेलवे बस स्टेशन के बगल ही में डीएम ऑफिस। गाइस इतना सारा समझ में आ चुका है, इतना आप दौड़ सकते हैं दौड़िए, जहाँ एप्लीकेशन देना है दीजिए, जो कार्रवाई होगा दीजिए, मैं सब कुछ बताते चला रहा हूँ। लेकिन सीधी बातें मैं भी बता दूँ आपको, अगर आपके पास ज़मीन है तो वहाँ पे बाउंड्री करा के गेट लगा के और एक रूम बना के वहाँ पे रहिए, या तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं कि आपको कम से कम वो जो रहेगा उसका भाड़ा भी मिलेगा और आपका ज़मीन का देखना भी करेगा। हमारे ना रहने पे ही वो सब काम हुआ था, और आज वहाँ पे हम रहना चाहते हैं तो बहुत चीज़ दौड़ना पड़ा। देख रहे हैं कि डीएम ऑफिस तक आ गए हैं, शायद मुझे सीएम ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, ठीक है।
और भगवान की दुआ ना करें कि पीएम ऑफिस पे पहुँचे, बाकी जितना प्रोसेसर वो तो करेंगे। लेकिन हाँ एक बात है, पैसा अगर मैं 35,000 रुपये दे दूँगा तो मुझे कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं इसलिए दौड़ रहे हैं। पैसा तो कहीं देना पड़ेगा, लेकिन देखता हूँ कि क्या होता है अगर, और अगर नहीं भी रहेगा तो और भी दौड़ेंगे भाई, लोगों से सपोर्ट मांगेंगे और हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। आगे कुछ करने के लिए आपके पास पावर है तो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मेरा कोई फ्रेंड IAS हो या IAS बन जाए तो मुझे ये सब देखना नहीं पड़ेगा, एक फ़ोन करेगा सारा काम हो जाएगा। मेन है पावर और पैसा। तो पावर जो है ना वो आपको पढ़ने लिखने से, मेहनत करने से वो आपको पावर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए कि लोग IAS की तैयारी करते हैं, अब IAS बन गए तो उनके बच्चों को उनकी फैमिली की दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडुकेशन है और अगर पद मिल गया, कुर्सी या पावर मिल गया भाई, तो कुछ भी खा सकते हो। तो हर एक चीज़ बताते चलेंगे, लाइफ में बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और आगे तक सीखना भी है और सीखते रहेंगे। और YouTube पे मैं अपना रियल लाइफ दिखाता चलूँगा, अब जिनको पसंद आएगा वो पसंद आएगा, जिनको सपोर्ट करना होगा सपोर्ट करेगा। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, उससे क्या है ना थोड़ा मोटिवेट होता है, सब्सक्राइब बटन जल्दी आएगा। जय वंदे मातरम, जय श्री राम।